हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल सिंह, साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल वेलनेस कोच। क्या कभी आपने सोचा है कि आपका बच्चा आपसे झूठ क्यों बोलता है? या क्या आपने कभी अपने पास्ट में जाके देखा कि उस बच्चे ने पहली बार झूठ आपसे कब बोला होगा और कैसे ये झूठ की आपकी रेल बनती चली गई, कैसे ये कंटिन्यू होता चला गया? क्या रीजंस थे? क्या बच्चा गलत था या हम गलत थे? सो द रीजन इज, ना तो हम गलत थे और ना बच्चा गलत था, बट हम शायद समझने में कहीं ना कहीं चूक कर गए कि किस बात को बच्चे को कैसे समझाना था। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम हमेशा बच्चे को या तो डरा के समझाते हैं, या मार पिटाई करके समझाते हैं, या चिल्ला के समझाते हैं। ये सारे तरीके बहुत गलत हैं। क्यों? क्योंकि उससे सिर्फ बच्चा डरेगा, समझ तो नहीं आएगा उसको कि उसको और क्या करना चाहिए था। कोई ऑप्शन तो उसको दिखाई नहीं देगा, सो वो आपसे चीज़ें या तो छिपाना शुरू करेगा या आपसे झूठ बोलना शुरू करेगा। कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करें? कहीं ना कहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ होगा जब पहली बार आपके बच्चे ने झूठ बोला होगा। इसको देखते हैं एक बच्चे की कहानी से, जो कि मेरे पास आया था आज से एक साल पहले, जिसके पेरेंट्स इसलिए परेशान थे कि वो बच्चा हर छोटी बात में, जिसमें ज़रूरत है उसमें भी और जहां नहीं है उसमें भी झूठ बोलता है। बट जब हमने देखा, उसको स्टडी किया, तो समझ आया कि वो शुरू कहां से हुआ था। वो बच्चा स्टडीज़ में बहुत वीक था और फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग वो कभी पढ़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था कि पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करके स्कूल भेजते थे, और इनिशियली उसके टीचर्स ने उसको मारना जब शुरू किया तो बच्चे ने बहाना बनाना शुरू किया कि मुझे आज पेट दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे आज बुखार है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, और ये सिलसिला चलता गया। क्योंकि पेरेंट्स ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि वो ऐसा कर क्यों रहा है या वो ऐसे बहाने बना क्यों रहा है। वो सिर्फ ये सोचते थे कि बच्चे को स्कूल नहीं जाना, इसलिए वो ऐसे बहाने बना रहा है। बट असलियत ये थी कि बच्चे की टीचर्स से कभी वो बात नहीं बन पाई, वो रेपो बिल्डिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो स्कूल जाता या उसको स्कूल जाना अच्छा लगता। यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये इस हद तक बढ़ गया कि वो बच्चा अपने घर से पैसे भी उठाने लगा और उसको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, कभी कोई गिल्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो उसकी हैबिट बन चुकी थी चीज़ें छिपाना और झूठ बोलना। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसी कोई हरकतें करे? ऑफ कोर्स नॉट। बट क्या आप ये समझ पाए कि उसको कैसे समझाना है या कैसे मैनेज करना है? ये भी देखते हैं। अगर आपके बच्चे ने आपसे पहली बार आके आप ये बोला कि मैंने आज स्कूल बंक किया और मैं मूवी देखने गया, पॉज करें अपने आप को एक मिनट के लिए और सोचें कि आप उस टाइम पे क्या करते। आई एम श्योर या तो आप उसको डांटते, या उसको थप्पड़ दिखाते, या ये बोलते कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं और तुम उसकी कद्र नहीं करते। जहाँ ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ बर्डन आ जाता है। सो अपने बच्चे के ऊपर बर्डन ना डाल के उससे पूछें कि ऐसा करने का रीज़न क्या था, और उसको बहुत आराम से समझाएं कि आप अगर ये कर भी रहे हैं एक दो बार तो इट्स ओके, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम नहीं करें। बट पहली बारी में जब आप उसको डांटना और मारना शुरू करेंगे तो वहां से बच्चा आपसे चीजें छिपाना शुरू कर देगा। सो अपने बच्चे के साथ एक बेहतर रिलेशन बनाएं, उसकी बातों को सुनकर, ना कि उन बातों के ऊपर रिएक्ट करके। सो रिएक्शन इज द वर्स्ट थिंग यू आर डूइंग विद योर किड्स। सो अपने रिएक्शंस को थोड़ा सॉफ्टली लेकर आए और उनको समझाने की कोशिश करें। हो सकता है कि उस टाइम पे आप खुद को ना संभाल पाएं, तो उस टाइम पे बच्चे की बात सुनकर अपने आप को चुप रखें और थोड़ी देर बाद सोच समझ के बच्चे के साथ उसके बारे में बात करें। बट उनको सॉल्यूशंस दें, उनको एडवाइस दें, उनको गाइड करें, लेकिन उनके ऊपर किसी चीज़ को थोपे नहीं। सो जहाँ पे ये बर्डन आ जाता है उनके ऊपर कि हमारे पेरेंट्स की वजह से हमें ऐसा करना पड़ेगा, तो चीज़ें हमेशा वर्सन होती हैं।
आई होप मैं आपको ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा पाई हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करें और कैसे आप उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी एक अलग इंडिविजुअल है। कल को उसको अपनी लाइफ आपकी तरीके से नहीं चलानी, उसके भी अपने कुछ तरीके हैं और कुछ चीज़ें वो अपने साथ ऑलरेडी लेकर आया है एंड कुछ चीज़ें वो अपनी बना रहा है अपने रिलेशंस को देख के, अपने स्कूल में फ्रेंड्स को देखकर या टीचर्स को देखकर या अपनी कम्युनिटी को देखकर। सो स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योर किड्स। अपने बच्चों को कहीं पर भी बुली ना करें, किसी भी अपने फ्रेंड के सामने या उनके दादा दादी के सामने कभी भी ये ना बोलें कि ये बच्चा ऐसा है। हमेशा उसकी प्रेज करें और हमेशा उसको एक अच्छा इंसान बनाएं और बताने की भी कोशिश करें दैट यस ही इज़ अ गुड चाइल्ड। इससे आपके रिलेशंस बहुत बेहतर हो सकते हैं एंड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि उसके बिना आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।